गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। तो हमारे पास कोई फिनॉल होगा, वो रिएक्ट करेगा CCl3H यानी CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH KOH दैट मीन्स बेस। फिनॉल हमारा रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस राइमर टाइमर रिएक्शन में। और हमारे पास बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड पैरा फॉर्मिल फिनॉल। और हमारे पास आर्थो पोजीशन दो होती है, अगर हमारे पास एक आर्थो पोजीशन ब्लॉक होगी तो दूसरे आर्थो से रिएक्शन होगी, लेकिन अगर दोनों बोथ आर्थो पोजीशन ब्लॉक होंगी तब हमारे पास पैरा फॉर्मिल फिनॉल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फिनॉल है, यह क्लोरोफॉर्म बेस की परत में रिएक्शन हो रही है, तो हमारे पास बन रहा है आर्थो फॉर्मिल फिनॉल एंड पैरा फॉर्मिल फिनॉल, और इसके साथ हमारे पास 3KCl 2H2O। यहाँ पर 3KOH लिया था हमने, यहाँ पर 3KCl निकला, कैसे अभी हम रिएक्शन में देख लेंगे। ये आर्थो बना, ये वाला होता है मेजर, ये वाला पैरा वाला जो होता है वो माइनर होता है, क्यों अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म में। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम कि इसमें जो है पहले कार्बिन का जनरेशन होता है। ये क्लोरोफॉर्म हम लेते हैं सबसे पहले Cl3C, इससे लगा हुआ H, और इसको हम कराते हैं बेस से। देखिए यहाँ से KOH है, ये KOH है, तो ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा OH-K+। तो यहाँ पर हम एक OH- ले रहे हैं, और ये बेस है, बेस यहाँ से H+ निकाल लेगा तो ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, और ये H+ और ये OH मिलके यहाँ से -H2O निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास CCl3, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, ये हो जाएगा CCl2 दिखाते हैं, CCl2 C1Cl इधर दिखा देते हैं, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज। अब क्या होगा, और ये स्टेप जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर दो Cl जुड़ा है तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक Cl अगर आप ऐसे दिखाएं तो दूसरा Cl हम यहाँ पर इस तरह दिखा दें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पर माइनस चार्ज है। तो अभी ये क्या करेगा, इस कार्बन से इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा। वैसे भी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही है, तो ये ले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये ले जाएगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव पहले से है तो पॉजिटिव निगेटिव मिल के हो जाएंगे न्यूट्रल, और यहाँ पर बचेगा CCl2, और हमारे पास कार्बिन का जनरेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा CCl2, तो CLCl2 इधर दिखा देते हैं, CCl2, और उसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन बच गए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये माइनस और ये इधर गया तो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ये हो गया हमारा कार्बिन। फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बिन जनरेट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब हमारा फिनॉल जो है वो बेस से रिएक्ट करेगा। यह है OH, अब इसको हम कराते हैं OH- से, तो ये वाला निकाल लेगा हाइड्रोजन और यहाँ से -H2O निकल जाएगा, ये OH और ये वाला H मिलके -H2O यहाँ से निकल जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इधर हो माइनस। अब थोड़ा इसमें होगा रेजोनेंस, अब ये माइनस अपना बॉन्ड, ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इधर देकर बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन टूटकर ये माइनस चार्ज अब यहाँ पर आएगा। अब इसका थोड़ा सा रेजोनेंस हम देख लेते हैं कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थो क्यों बनता है, पैरा क्यों बनता है, आर्थो ज़्यादा क्यों बनता है, पैरा कम क्यों बनता है, मेटा क्यों नहीं बनता, अभी देख लेते हैं। इसको हम समझ रेजोनेंस से ही समझेंगे, इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, अब इसको फर्दर जब हम
आगे रेजोनेंस में ले जाएंगे तो अब ये अपना माइनस इधर देकर इधर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इस साइड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटकर इस साइड, ये माइनस चार्ज यहाँ पर। तो आ गया यहाँ पर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड आ गया यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ हो गया यहाँ पर। अब माइनस चार्ज यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन मैं बार बार नहीं दिखाया, माइनस का मतलब वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब क्या होगा, अब ये अपना अपने माइनस चार्ज इधर बॉन्ड बनाएगा, माइनस चार्ज इधर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज। तो अब आ गया एक बॉन्ड इधर और दूसरा यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज और एक बॉन्ड इधर है ही और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, तो ये पहले से ही है। अब क्या होगा, अब अगर आप इसे यहाँ पर और इसको यहाँ पर कर दोगे तो आपका ये पहला वाला बन जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा सा बॉन्ड इधर उधर होगा बस, यहाँ पर ओ पे माइनस फिर से आ जाएगा और ये तो पूरा वन डीलोकलाइज होगा। फिर वापस से जब डीलोकलाइज इस तरह से करते हुए आएंगे तो यहाँ पर फिर सेम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये बॉन्ड हम इधर घुमाएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर करेंगे ओ पे माइनस, तो यहाँ पर भी ओ पे माइनस था, तो यहाँ तक हमारा रेडंडेंटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हो गया हमारा रेडंडेंटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो अब आर्थो क्यों बनता है, क्यों, देखिए ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से लगा कार्बन, जो दोनों कार्बन है वो होते हैं आर्थो। यहाँ पर समझाएं, यहाँ पर कुछ भी हो ये होता है OH, तो इस OH के कार्बन, जिस कार्बन से OH लगा है उसके बगल में जो दोनों कार्बन होते हैं वो दोनों होते हैं आर्थो, और इन दोनों आर्थो से जो कार्बन लगा हुआ होता है वो होता है मेटा। अब इन दोनों मेटा से जो कार्बन लगा हुआ होता है वो होता है पैरा। अब ज़रूरी नहीं है कि यही पोजीशन हमेशा आर्थो होगी, जैसे कि, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर OH ही होगा, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके रिस्पेक्ट में हम आर्थो एंड पैरा मेटा पैरा देख रहे हों। जैसे कि OH अगर हमारा यहाँ पर हो जाए तब क्या होगा, तो इस कार्बन से लगा हुआ दो कार्बन, एक ये हो जाएगा आर्थो और दूसरा हो जाएगा ये आर्थो। बीस आर्थो आर्थो से लगा हुआ कार्बन जो होगा वो होगा मेटा, एक मेटा ये हो जाएगा एक मेटा ये, और तो पैरा ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से होता है आर्थो मेटा पैरा, ये तो आपको पता ही होगा, बस मैं बेसिक के लिए बता दिया, थोड़ा बेसिक नॉलेज। हाँ, तो यहाँ तक हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, हाँ, आर्थो क्यों बनता है, पैरा क्यों बनता है, मेटा क्यों नहीं बनता। देखिए, तो आर्थो पोजीशन ये है हमारी, यहाँ पर आया माइनस चार्ज, और दूसरी आर्थो पोजीशन ये है, तो यहाँ पर आया माइनस चार्ज। इसमें दो आर्थो पोजीशन है, यहाँ पर दो जगह माइनस चार्ज आ रहा है और ये माइनस इस पर अटैक करके आगे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा आगे। तो आर्थो पोजीशन हमारे पास दो है, तो इसलिए आर्थो पोजीशन मेजर बनता है, इससे भी बन सकता है और इधर वाले इससे भी बन सकता है। और यहाँ पर पैरा पोजीशन से, पैरा पोजीशन पर माइनस है, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन यहाँ से कम बनता है क्योंकि यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एक पर ही माइनस है। और यहाँ पर मेटा देखिए, मेटा पर कहीं पर माइनस है ही नहीं, तो इसमें इसलिए इसमें मेटा नहीं बनता है। तो ये हो गया, अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट पूरा बनाकर पहले। चलिए, अब ये वाला है, ये वाला आर्थो पे माइनस है, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम उठाते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है और इस पर है माइनस चार्ज, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस दिखाते हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और ये माइनस चार्ज। अब इसको कराते हैं हम कार्बीन, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अब ये वाला इधर देकर अपना एक बॉन्ड बनाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना इसे देगा, तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल, या फिर इस तरह से कह सकते हैं इसे एक देगा तो इसका जो निगेटिव था वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये तो अभी तक न्यूट्रल था, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड ओ, अब ये जुड़ने वाला है सी से और सी जुड़ा हुआ है हमारा सी सी एल टू और इस पर आ गया अभी
ये दो हमारे पास पहले से, और एक इलेक्ट्रॉन ये और लिया है इससे ये बाउंड बनाया है, तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज भी। यानी कि कार्बन के वैलेंस में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इस बार पांच हो गए। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो तीन और दो इसे लगा हुआ, फाइव इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ज़्यादा है, तो इस पर हम माइनस चार्ज दिखा देंगे। अब आगे चलते हैं, तो अभी इसके पास माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, किसको देगा? तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होता है, तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर देकर एच प्लस के रूप में निकलेगा, और ये एच प्लस, तो ये माइनस वाला इससे अपना बॉन्ड देकर इससे बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस साइड घूम जाएगा। एक बॉन्ड इधर आया हमारा, आया, और ये तो हमारा पहले था, और इस ओ पे आ गया अब माइनस चार्ज, और यहाँ पे लगा हुआ है सी, एक सी एल इधर, दूसरा सी एल इधर, और एक एच आ गया हमारे पास इधर। ये माइनस चार्ज जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एच प्लस को दिया, अगर मान लो एच प्लस यहाँ पर आया तो अपने एक इलेक्ट्रॉन इसे देकर बाउंड बना लिया, तो हो गया यह हमारा यहाँ पर। तो अब देखिए, अब ये जो माइनस है, माइनस इधर दिखाएं पहले, अब ये माइनस अपना इधर देकर बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव होगा, और यहाँ से एक सी एल निकल जाएगा, माइनस सी एल। ये हमारा वैसे ही है, और यहाँ पर हो गया ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हो गया, और इधर भी हो जाएगा ये हमारा डबल बॉन्ड, और ये है सी, इससे लगा हुआ एक एच, और एक सी एल, ये सी इधर सी एल लगा है, और इधर एच, इस सी एल को मैंने इधर दिखा दिया बस। अब क्या होगा, अब इस पर कटे करेगा ओ एच माइनस अटैक, ओ एच माइनस जो है वो आएगा अब इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब आप यहाँ पर चाहें तो इसको इधर दिखाकर, फिर इसको इधर का थोड़ा सा रेजोनेंस दिखाकर, फिर आगे आप दिखा, चलिए पूरा दिखा दें। पहले जब ये इधर ये अटैक करेगा तो ये बाण इधर आएगा, और ये वाला बाण फिर से इधर आएगा, क्या होगा? यहाँ पर ये तो पहले था, इसको हम पहले बना लेते हैं ऐसे ही, और इस ओ पे आ गया फिर से माइनस, और यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आया, और ये सिंगल बॉन्ड, और इससे लगा हुआ ये एच, और इधर सी एल, और नीचे अटैक कर लिया ओ एच, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा, ये ओ एच माइनस फिर से वापस जाएगा, और ये वाला फिर से इलेक्ट्रॉन इधर वापस जाएगा। अब इस बार ओ एच माइनस और सी एल में, सी एल जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है कंपेरिजन टू ओ एच, तो यहाँ से सी एल निकल जाएगा, तो यहाँ से सी एल निकल जाएगा, तो क्या होगा अब हमारा? तो एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, इस ओ डबल बॉन्ड ओ फिर से हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा सी, और सी से लगा हुआ ये एच, और इससे लगा हुआ ओ एच, मैं ऊपर की साइड दिखाता हूँ, ये रहा ओ, और इससे लगा हुआ ये ओ एच। अब क्या होगा, अब हम अपने प्रोडक्ट के करीब पहुँच रहे हैं, तो अभी इस ओ एच से लगा हुआ जो है एच, ये अपना बॉन्ड यहाँ पर देकर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और ये वाला यहाँ पर आएगा। जब ये इसको, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो इस यहाँ पर आएगा एच प्लस, यानी कि एच प्लस वहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जब इस साइड मूव होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो अब ये वाला माइनस अब इस एच प्लस वाले से बॉन्ड बना लेगा, कैसे अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर इधर आएंगे, ठीक, तो देखिए अब ये पूरी रिंग हमारी क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर एच, और इधर आ गया ओ एच, ये आपकी फेनोलिक रिंग पूरी फिर से आ गई वापस, और इधर आ गया सी एच ओ। आप इसमें और उसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरी एरोमेटिक रिंग थी, वहाँ पर भी एरोमेटिक रिंग है। हाँ,
अगर किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है तो वो लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट होगा वो एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से मेंटेन करेगा। देखिए यहाँ से रिंग जो थी वो अपनी एरोमेटिक, अपनी रिंग जैसे कि एरोमेटिक थी वो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4π इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं, यहाँ पर एरोमेटिक नहीं, लेकिन लास्ट में जाते जाते यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है वो वापस से एरोमेटिक हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग रिएक्शन में पार्ट लेती है तो बाद में उसका जो प्रोडक्ट होगा वो रिंग वापस से एरोमेटिक होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे बनता है। अगर अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो, हाँ इसका नाम क्या है, जैसे कि SCHO होता है, HC OH, इसे हम कहते हैं फॉर्मल डिहाइड ना, तो यही हो जाएगा इसके नाम से। ये अब फॉर्मल डिहाइड तो है नहीं, ये फॉर्मिल और ये वाला फिनॉल, तो इसे हम कह सकते हैं फॉर्मिल फिनॉल। यहाँ पर लिखा है फॉर्मिल फिनॉल, ऑर्थो फॉर्मिल फिनॉल इसे कह सकते हैं आप, या फिर दूसरा नाम होता है इसका सैलिसिल एल्डिहाइड। ये तो हो गया हमारा ऑर्थो की मैकेनिज्म। अब अगर हमारे पास दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हों तो पैरा पर कैसे रिएक्शन होती है, चलिए इसी में करते हैं हम ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है वहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ पर आर लगा दिया, यहाँ पर आर लगा दिया, तो जब वहाँ पर आर लगा दिया, एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है 3KOH ना, और यहाँ पर लिखा हुआ 3KCl, यहाँ पर 2H2O, तो ये भी हमारे पास इधर से ये निकल रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर K प्लस था और ये OH माइनस, यहाँ पे अभी K प्लस है, यहाँ पर बताया था, तो यहाँ से OH माइनस तो चला गया। जब यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है तो माइनस Cl और उसके साथ प्लस Kl, इधर K जो था प्लस वाला, तो यहाँ से मिलकर प्लस KCl निकल रहा है, तो एक KCl हो गया, हमारे पास 3 KCl होने चाहिए ना, तो एक वहाँ से हो गया, दूसरा कहाँ Cl निकल रहा है हमारा, तो दूसरा Cl यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से Cl माइनस KCl कर सकते हैं आप। और एक और Cl कहाँ पे निकला है, तो देखिए यहाँ पे माइनस KCl, तो 3 KCl निकल गए हमारे, तो ये हो गया 3 KCl। एंड यहाँ पे लिखा होगा 2H2O, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकले होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है, तो इसको मतलब अगर रिएक्शन के आप लास्ट में चाहें यहाँ पर जोड़ने को जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह रिएक्शन में नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब बात कर लेते हैं हम पैरा मैकेनिज्म की। पैरा में क्या होगा, रेजोनेंस में स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो माइनस चार्ज यहाँ पर आता है वो पैरा पर आएगा। अब ये पैरा वाला जैसे कि ऑर्थो वाला अब कार्बिन पर अटैक किया था, अब वो पैरा वाला अटैक कर देगा। अब इसी मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जो नीचे वाला स्टेप होगा वही थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा, कहाँ कहाँ बदलना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑर्थो तो हमारा बनेगा नहीं, ऑर्थो यहाँ धरा देते हैं, यहाँ पर आर, यहाँ पे आर, तो ये वाला प्रोडक्ट तो हमारा, ये वाला स्टेप हमारा सेम होगा, बाकी इन सब में चेंजेस करने में थोड़ी दिक्कत है, मैं इसको रफ करके फिर से लिख देता हूँ। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी फिनॉल वाली रिंग जो थी हमारे पास। इस बार मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, जितना डिटेल में उसमें गए थे, यहाँ पर ओ, ये एच, इधर ये आर, और इधर ये रहा आर। अब इसको करा रहे हैं हम OH माइनस से, तो ये बेस यहाँ से निकाल लेगा H प्लस, यहाँ से माइनस H2O निकलेगा, माइनस H2O निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास O पे आ जाएगा माइनस, बाकी यहाँ पर ये R और ये R। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाना है कि अभी ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक है, अब हमारे पास पैरा पे हमारे पास माइनस आना चाहिए, तो बॉन्ड एक ही बार में ले जाते हैं पैरा पर माइनस, तो ये बॉन्ड इधर, अब ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव कर दें, ये वाला इस साइड आएगा और ये वाला इस साइड आएगा और ये वाला कार्बन इस साइड मूव हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज,
और एक बांड इधर आ गया इस साइड, और एक बांड यहाँ पर पहले था, और ये हो गया सी डबल बांड ओ, और ये आर्थो पोजिशन आपकी ब्लॉक। अब इसकी रिएक्शन आप करा दो कार्बीन से CCl2, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर दिखाओ। अब ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और इस पर आएगा माइनस चार्ज। अब बाकी रिएक्शन सेम ही होगी, आप लोग करना चाहेंगे तो कर लेंगे, अगर आप पहली वाली समझे होंगे तो ये वाली कर लेंगे। ये आर इधर रहा आर, और नीचे की साइड आपके पास आ जाएगा ये सी, इससे लगा हुआ ये Cl2, और इस पर आ जाएगा ये दो इलेक्ट्रॉन, और इस पर माइनस चार्ज भी आएगा क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए उसमें से कहाँ हाइड्रोजन निकला था, जो इसके बगल वाला हाइड्रोजन था, अब वो इस साइड आएगा, फिर ये इस साइड आएगा, फिर ये इस साइड आएगा, और ये वाला जो माइनस है इसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर इससे यहाँ से बांड बना लेगा। चलिए फिर क्या होगा, ये हमारी रिंग, तो एक बांड यहाँ पर पहले था, ये वाला बांड गया तो एक बांड इधर आ रहा है, ये वाला बांड इधर मूव हुआ तो एक बांड इधर आ रहा है, ऊपर ओ पे आ गया माइनस चार्ज, और इधर दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, और नीचे की साइड आपके पास है सी, एक सी एल इस तरह से, एक सी एल इस तरह से, और एक एच यहाँ पे दिखा देते हैं। अब देखो ये ओ वापस भेजेगा, वो अपने माइनस को इधर इलेक्ट्रॉन देकर वापस भेजेगा, ये बाउंड बनाएगा, और ये वाला बाउंड इस साइड घूमेगा, और ये वाला बाउंड जो है वो इस साइड घूमेगा, और यहाँ से Cl निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये सेम मैकेनिज्म वही दोहरा रहा हूँ मैं, बस वापस आर्थो पे थी, यहाँ पर पैर थी, इसलिए मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ ज़्यादा नहीं, नहीं तो अब आर्थो पर भी है, यहाँ पर आर्थो पर आर लगा हुआ है, पहले ये बांड इधर घूम जाता था, तो अब ये वाला बांड इधर, ये वाला बांड इधर, ये वाला बांड इधर, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा सी डबल बांड ओ, ये इधर, ये इधर, और ये नीचे की साइड हो गया दो बांड, और इससे लगा हुआ ये सी, इससे लगा हुआ ये एच, और इससे लगा हुआ एक Cl और, बस हो गया इसका चार बांड, और इधर लगा हुआ ये आर। अब इस पर अटैक क्या करता है, बेस OH- आता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, तो आप दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, ये वाला बांड इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर अगले स्टेप में फिर वो वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, फिर इधर वाला इधर फिर से वापस आएगा, फिर इधर से ये Cl निकल जाएगा। डायरेक्टली मैं करता हूँ, ये OH- इस कार्बन से लगा और ये Cl- यहाँ से निकल गया, Cl- यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया ऐसे ही, ये सी डबल बॉन्ड हो गया ऐसे ही, ये रहा आर ऐसे ही, क्या ऐसे ऐसे ही लगा कर रखा मैंने ये सी, और इससे लग जाएगा इधर की साइड एच, और इससे लगा हुआ ये ओ, और इधर रहा एच। अब ये क्या करेगा, ये ओ एच वाला अपना बॉन्ड इधर देगा, अब ये वाला इधर देगा, ये वाला इधर देगा, और ये वाला इधर देगा, ओ पे आएगा माइनस और एच पे आएगा प्लस, और ये एच प्लस आके यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद हम इसको दिखा देते हैं इधर, ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड, ऊपर की साइड ओ एच, इधर आर ग्रुप लगा हुआ है, इधर आर ग्रुप लगा हुआ है, नीचे की साइड हो जाएगा सी एच, चलिए दिखाते हैं सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से पैरा का मैकेनिज्म। अगर हमारे पास दोनों आर्थो पोजीशन ब्लॉक होती हैं तो हमारे पास बनेगा यह प्रोडक्ट। अब अगर आप शॉर्ट में करना चाहें, चलिए उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्वेश्चन, शॉर्ट में क्या होगा, हमारे पास कोई फिनॉल होगा, क्लोरोफॉर्म होगा कि KOH होगा, अगर हमारे पास उसमें आर्थो पोजीशन पर ब्लॉक नहीं होगी तो हमारा आर्थो पर CHO ग्रुप लग जाएगा, बस यही, और अगर आर्थो पोजीशन ब्लॉक होगी तो पैरा पर CHO ग्रुप लग जाएगा। इसी को देखते हैं हम थोड़ा एग्जांपल में।
तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल हम ट्राइमर टाइमन रिएक्शन के। तो देखिए ये हमारे पास ये फिनॉल है और नीचे की साइड ये लगा हुआ है CH3, यानी कि इसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक किया है। वैसे तो पैरा हमारा कम बनता ही है, यहाँ पर पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दिया है। तो क्या होगा हमारे पास, पैरा पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये हो जाएगा OH और आर्थो पर हमारा हो जाएगा CHO, सी डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। और वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन ब्लॉक है और यहाँ पर भी आर्थो पर हो जाएगा। यहाँ पर CaCl3 है, 3 aqueous NaOH है, 2 aqueous H2O है, रिफ्लक्ट 2 hour 64%। हमारे लिए ज़रूर क्या था, ये फिनॉलिक रिंग होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, NaOH कोई बेस होना चाहिए, इतना काफ़ी है। इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा C double bond OH और नीचे की साइड जो लगा वो आप लगा सकते हैं CO2H है और क्या है NHBOC। अब अगर आप इसी तरह से करना चाहें आर्थो वाले को ब्लॉक करके, वैसे तो अभी हमने देख ही लिया है ये पोजीशन, ये रहा OH, इधर लगा दो CH3, इधर लगा दो C2H5, ये हो गई आर्थो पोजीशन ब्लॉक। अब इसको करा दें हम CH Cl3 NaOH से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा OH, नीचे की साइड आप दिखा सकते हैं सीधे सीधे CHO ग्रुप और इधर की साइड जो लगा वो आप लगा लेंगे, इधर CH3, इधर C2H5, क्योंकि यहाँ पर आर्थो ब्लॉक है तो यहाँ पर होगा पैरा प्रोडक्ट। तो ये थी राइमर टाइमन रिएक्शन। अब एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फोटो राइमर टाइमर रिएक्शन। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ज़्यादा पूछा कहीं जाता है नहीं, ज़्यादा कहीं हमें मिलता भी नहीं है, वैसे है तो देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं फोटो राइमर टाइमन रिएक्शन। फोटो राइमर टाइमर रिएक्शन में एक ही एग्जाम्पल मुझे मिला, मैं वही करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फिनॉलिक रिंग है और उसके नीचे की साइड लगा हुआ CN। अब इसमें फोटो राइमर टाइमर है तो इसमें हमारे पास बेस नहीं होगा, तो इसमें हमारे पास क्या है, फोटॉन और ये किसका है, HG लैम्प यानी मरकरी लैम्प। जब इससे हम इस पर डालते हैं फोटॉन डालते हैं तो यहाँ से क्या करता है, ये इस एच प्लस को ले लेता है और इस O पे आ जाता है माइनस चार्ज, यहीं पे आ जाता, दिखा देते हैं, इस पर आता है माइनस। अब ये माइनस क्या करता है, ये माइनस सीधे इसी जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म था उस पर अटैक करता है और ये Cl यहाँ से निकाल देता है। अब इसके बाद हमारे पास जो बन जाता है वही होता है हमारे पास फोटो राइमर टाइमन का प्रोडक्ट, ये है ये और इसके साथ नीचे की साइड CN, इससे लगा हुआ ये O और इस O से लगा हुआ है, इस O से लग जाएगा अब CHCl2, यही होता है हमारा फोटो राइमर टाइमन का प्रोडक्ट, बस यही। हाँ यही। और हाँ, तो जाते जाते एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास था ये फिनॉल और क्लोरोफॉर्म था प्लस 3KOH, ये वो रिएक्शन राइमर टाइमर रिएक्शन, ये फोटो वाली नहीं है, तो इसमें था और जो था आप लिख लेंगे, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता था आर्थो वाला ये OH, C double bond O, इधर H, थोड़ा सा मैं ऊपर दिखाता हूँ भी मुझे, ये OH प्लस इसमें पहला प्रोडक्ट बनता था हमारा, इधर OH और नीचे के साइड CHO, C double bond O और इधर H। तो इसमें मैं अभी बताया था कि इसमें आर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, ये वाला माइनर बनता है, क्यों, ये वाला मेजर इसलिए बनता है क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें यहाँ पर दो आर्थो पोजीशन है और यहाँ पर एक पैरा पोजीशन, यहाँ पर दो आर्थो पोजीशन है और यहाँ पर पैरा पोजीशन, एक पैरा पोजीशन, तो एक ए रीज़न तो है ही। और दूसरा रीज़न क्या कह सकते हैं, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है और ये वाला कम स्टेबल होता है, कैसे, क्योंकि ये इसमें इस OH में इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है और
इस वजह से इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा गैप होता तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। तो बस आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।